नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हर जीतने वाले कांग्रेस के नेताओं को मिलनी चाहिए टिकट। नपा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मुन्नू द्वारा का यह बयान रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा खूब लॉलीपॉप दिखा दे, लेकिन 18 वर्षों तक कहां थी जनता, अब भाजपा से ऊब चुकी है। आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। जिले के कद्दावर नेता अजय सिंह, राहुल एवं कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र सहित सीधी एवं सिंगरौली में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगी विजय। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, 10 वर्षीय आपका कार्यकाल रहा है। नगर पालिका में आपके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है। एक चर्चा है कि आप भी चुनाव के लेकर काफ़ी सक्रिय माने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अजय सिंह राहुल भैया, माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जो हमारे ज़िले के दोनों नेता हैं, ये जिसको उचित समझेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी अपने आप आकलन करती है कि किसको लड़ाना है, और उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपका जनसंपर्क भी कई दिनों से चल रहा है, कई जगह होर्डिंग बैनर के माध्यम से और जनता के बीच में आपका सीधा संपर्क है, क्या मानते हैं? पार्टी की योजनाओं के बारे में, पार्टी में है काम कर रहे हैं, तो जो माननीय कमलनाथ जी की जो योजना है मध्य प्रदेश के लिए, वो उसका प्रचार प्रसार के लिए हमने होर्डिंग लगाए हैं और उसी के संबंध में जनसंपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिले। आप भाजपा में थे, 2 पंचवर्षीय भाजपा में रहे हैं, दूसरे पार्टी से आने वाले नेताओं को भी महत्व कांग्रेस हरदम देती है। आप भाजपा में सीधी नगर पालिका क्षेत्र में रहकर काफ़ी काम किए हैं, क्या लगता है कि हमें अब आपने कभी पद की भी लालसा नहीं किए, क्या लगता है कि टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, बताया ना आप, माननीय अजय सिंह राहुल भैया और माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, ये दोनों लोग मिलके सीधी विधानसभा में सर्वे के आधार पर चयन करेंगे। जो प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का होगा, कौन होगा ये इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एक बड़ा बयान है ये, आप जिताऊ प्रत्याशी चाहिए कि जातवाद चाहिए? देखिए, जिताऊ प्रत्याशी चाहिए किसी जात। भारतीय जनता पार्टी में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा तो सब एक समुदाय को टिकट दिया ना पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी को ये लगता है कि भाई फला व्यक्ति जीत सकता है तो उसमें जाति का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। सरकार कई योजनाएं लागू कर रही हैं, लाडली बहना योजना, इसके बाद कई योजनाएं लगातार योजनाओं पर योजनाएं दे रही है। देखिए, ऐसा है ये सब चुनावी योजना है, चूँकि 2 महीने में चुनाव होना है इसलिए लाडली बहना की भी याद आ गई। भाई 3.5 साल से मध्य प्रदेश में अभी तिवारा शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तब तो लाडली बहना की याद नहीं आई। और जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात है तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो यहाँ 450 रुपये, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ 950 रुपये करीब होगा, 200 रुपये घटने के बाद। उत्तराखंड में भी यही है। कांग्रेस के किसी भाई ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, जब कोरोना काल था गैस 1150 रुपये में मिल रही थी, आज मुख्यमंत्री के पास संकट आ गया 450 रुपये, क्यों? भारतीय जनता पार्टी इस समय उस परिस्थिति में है, करो या मरो की स्थिति है, कि किसी भी तरह से AMKM चाहे जो भी करना पड़े सरकार बन जाए, जिससे आप देखिए सीधी में कितना भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होता है। पंचायतों की स्थिति यह है कि 40% 50% कमीशन लिए जाते हैं। अभी हम एक पंचायत में गए थे तो वहाँ 35,000 का एक रिक्शा दिया गया है, उसकी कीमत क्या 35,000 हो सकती है? एक बड़ा मामला है भ्रष्टाचार को लेकर, आप बोले हैं हिमांशु तिवारी जो कि सरतन तिवारी और सीधी विधायक के करीबी माने जाते हैं, उनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कोई उंगली नहीं उठा रहा है।
ऐसे कर्मचारियों को आचार संहिता लगवा हटाना चाहेंगे? हम किसी मतलब व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, पर ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सबको हटाना चाहिए। लगातार क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या संदेश जाता है मुख्यमंत्री या भाजपा सरकार से? लोगों में खुशी है या नाराजगी? खास तौर से गरीबों में बड़ा बहुत असंतोष है, क्योंकि आज गांव में जाइए आप तो बिजली की बड़ी समस्या है। सूखा सीधी सूखाग्रस्त घोषित होना चाहिए, अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए। धान की फसल एकदम सूख रही है, लाइट मिल नहीं रही, ट्रांसफार्मर जले हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, महीने महीने भर ट्रांसफार्मर जले रहते हैं। सरकार ने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया। आज तो ये स्थिति है कि घर में प्रकाश करने के लिए अलसी का तेल या तिल का तेल जलाना पड़ रहा है, जो 150-200 रुपये लीटर तेल है। बड़ी बात आपने बोले हैं, बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान किया गया, लेकिन बिजली के बिल इतनी भारी भरकम आ रही है, इसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मध्य प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझती है, ये उनकी भूल है। आप सब जानते हैं ये सब चुनावी घोषणा है और चुनाव के लिए ये सब दे रहे हैं। आपका दो महीने बाद मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, सब जानते हैं, खुद बताते हैं, ये तो सब चुनाव के लिए दे रहे हैं। अगर देना था तो भाई 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3.5 साल से फिर दोबारा सरकार है, तब क्यों नहीं दिया गया? तब तो गरीबों से जो बिजली का बिल लिया गया, लंबे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक बिजली का बिल लिया गया, आज भी गरीब बिजली से वंचित हैं, उनको भी उनके पास घर में कनेक्शन नहीं। हम तो गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि गांव की स्थिति क्या है। राहुल भैया कमलेश्वर पटेल जी संघर्ष कर रहे हैं, आप आदिवासी बेल्ट गांधीग्राम सहित कई गाँव में आपका भ्रमण हो चुका है, मुझे जो जानकारी मिली है, वहाँ के लोगों की क्या मानता है? सब बदलाव चाहते हैं कि ये सरकार तानाशाह हो गई है और बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गया है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, शासन की योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार की बढ़ चढ़ गया है, ये कहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।